आवाम के मसाइल मंजर आम पर लाने वाले सहाफी खुद के मसाइल के लिए एहतजाज पर मजबूर हैं। सहाफती तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पाकिस्तान भर की तरह बलूचिस्तान में भी क्वेटा प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल और मुलजमान की ताल अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। जान मोहम्मद महर एक तो जुल्म से कत्ल किए गए, लेकिन अब वहाँ जो ड्रामे रचाए जा रहे हैं उनको किसी अब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही कि जान मोहम्मद महर साहब जो थे वो एक कबायली दुश्मनी में मारे गए। हमारे मुल्क में होता यही है कि एक तो जुल्म किया जाता है और इंसानी ज़िंदगी जो है वो छीन ली जाती है और फिर उसके बाद जो है उस पर पर्दे डालने के लिए और वो तमाम चीज़ें छुपाने के लिए फिर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। यही बदकिस्मती है कि जान मोहम्मद महर समेत कोई 150 के करीब हैं जिनके कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जान मोहम्मद महर सूबह सिंध के सीनियर सहाफी थे जो 13 अगस्त को अपनी गाड़ी में सफर के दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान में सहाफियों की तंजीम BUJ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे में सहाफियों समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जिसमें जान मोहम्मद महर समेत दीगर शहीद सहाफियों को जल्द अज जल्द इंसाफ फराम करने की अपील की गई। वो एक सीनियर सहाफी था, वो बहुत आठ किस्म की एक सहाफत करता था। वो वहाँ जो डाकू हैं वहाँ पर जाके उनके इलाकों में जाके वो रिपोर्टिंग करता रहता था। तो इस किस्म की सहाफत करने वाले हमारे सहाफ़ी हैं ये सरमाया होते हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। अभी कत्ल हुआ, 3 माह गुजर गए लेकिन कातिल जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। जो फैमिली है वो इस हवाले से मुतमईन नहीं है। जो सहाफ़ी बिरादरी हैं, सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं या सिंध के जो सहाफ़ी हैं वो मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान के सहाफ़ी मुतमईन नहीं है। और इसकी वजह यह है कि जो वहाँ की पुलिस है वो कत्ल के फौरी बाद वो इस वाक़े को एक ज़ाती दुश्मनी का जो है ना रंग दे रही है, जो कि काबिल कबूल नहीं है। सिंध के हमारे सहाफ़ियों ने ये मुतालबा किया कि इस कत्ल के पीछे जो है जो मुहरिकात हैं उसको सामने लाना ज़रूरी है। इसके लिए एक वसी पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए, उसी से ही पता चलेगा कि ज़ाती दुश्मनी है या ख़बर की बुनियाद पर उनको टारगेट किया गया है, जिस तरह 160 सहाफ़ियों को पाकिस्तान में पहले भी किया गया है। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक खबर की पादाश में जान बहक होने वाले जान मोहम्मद महर और दीगर सहाफ़ियों को अगर जल्द इंसाफ फराम न किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज और मुजाहरों का ऐलान किया जाएगा। खालिद खान, डेली कुदरत। जीने का हक दो।